भैया तो अभी हमारी 2-3 घंटे में फ्लाइट है भैया। सब सामान वामान पैक कर लिया है, गाड़ी अपनी ये क्यूबेक सिटी एयरपोर्ट पे लगा देंगे भैया। उसके बाद क्यूबेक से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से टोरंटो भैया, और टोरंटो से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से अहमदाबाद। काफ़ी सारे प्लेन चेंज चार्ज करके भैया हम आ रहे हैं भैया। वीडियो में देखना कितना टिकट का भाव हमको कितना लगा भैया, आगे हम वीडियो में बताते हैं आपको। वही वही सिवियर। तो अभी हम लोग तो हमारा टैक्सी अभी हमने गाड़ी में लगा दिया क्योंकि उसका टैक्सी का पार्किंग का बहुत हो रहा था, तो हमने टैक्सी पकड़ लिया भैया। ये भैया हमको एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। 3 बजे की फ्लाइट है, 12:30 बजे आ गया भैया, अभी अंदर ले चलते हैं। आज देखिए एयरपोर्ट एकदम खाली खम पड़ा है भैया, कोई भी आदमी नहीं यहाँ पे आज। यही फ़ायदा है छोटी सिटी से एयरपोर्ट लेने का। अभी एयरपोर्ट पे भोजन समारोह का कार्यक्रम शुरू करना है भैया। हम लोग तो वेजिटेरियन है भैया, तो ये हम लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, लेकिन अभी ये ANW भैया यहाँ पे लोगों ने बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है भैया। हमारे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए उन लोगों ने ये बर्गर बनाते हैं, लेकिन बर्गर के अंदर वेजिटेरियल पाई होती है। देखो इसमें वेजिटेरियल पाई होती है, मैं बताता हूँ आपको। लगता होगा कि मीट है लेकिन ये मीट नहीं है, ये वेजिटेबल की पाई है भैया। इसका हुआ $10 या $12 हुए। और ये कॉफ़ी लिया है हमने, हम लोग हमेशा काला कॉफ़ी पीते हैं भैया, तभी तो इसका थोड़ा जायजा लेते हैं भैया, आपको टेस्ट करके बताते हैं। मुँह में पानी छूट रहा है क्योंकि सुबह में भैया हमने जल्दी में निकल गए, खाने खाने का मेल नहीं पड़ा। ठीक है भैया, कोई हमारे इंडिया का जो रोटली साग होता है, रोटी सब्जी ऐसा नहीं है, चल जाए ऐसा है, क्योंकि अभी शाम को खाने का कुछ मेल पड़ेगा नहीं, दूसरे एयरपोर्ट पे जाएंगे भैया, और ये एयरलाइंस का खाना हमको माफक नहीं आता है, तो इसको ही थोड़ा बैटिंग कर लेते हैं। भाई टोरंटो से फ्लाइट इतना लेट हो गया है, पता नहीं अभी अगली वाली फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ पे 1.5 घंटा फ्लाइट लेती है, खाली कनेक्शन टाइम खाली मेरा 20 मिनट का है। दौड़ करके भैया इंटरनेशनल टर्मिनल पे टोरंटो एयरपोर्ट पर देखो भैया, ऐसे लोग करते हैं। देखिए अपना टर्मिनल दूर है, पता नहीं ये वाली फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप इतने सारे देश को लोगों को देख के थोड़ा टेंशन हो जाता है भैया, भगवान से प्रार्थना करते हैं मिल जाएगी हमको। दौड़ो रे दौड़ो, E77 पे जाना है और हमारी फ्लाइट हो गई मिस। कभी 4 घंटे यहाँ पे एयरपोर्ट पे रुकेगी और अगली फ्लाइट में हमको स्टैंड बाय दिया है भैया। यहाँ पे पड़े ना कटका से पड़े ना कटका भैया, और गुजराती में ऐसे बोलते हैं, इतनी पब्लिक है भैया देख के डर लग जाता है। चलो बाथरूम के बाद आते हैं, यहाँ पे तो बाथरूम में ही शांति है, बाहर तो भैया देखना है क्या हालत है। ना तो भैया इतनी भीड़ है यहाँ पे, पूरा प्लेन में भैया सबसे आखिरी आदमी हूँ मैं, देख लो कोई भी नहीं है, चपला भी दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ता है प्रॉब्लम। क्या है भैया पैसा दे के टिकट देने का, थोड़ी दौड़ा दौड़ी, सब लोग देखो कोई भी नहीं है, सफरे आखिरी में हूँ, जल्दी से चले जाते हैं भैया, नहीं तो टिकट हमारा लाना जाए। ये लफड़ेबाजी में भैया पासपोर्ट वासपोर्ट बहुत संभालना पड़ता है। आखिरी नहीं था, मेरे पीछे भी बहुत गलती आ रहा है, देखिए मौत आ जाता है। ये लोग स्विट्जरलैंड में से हैं, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगला फ्लाइट है दिल्ली का भैया, वो थोड़ा सा टाइम हमको मिल जाएगा बीच में। हम लोग एयरपोर्ट से भैया ये खाना दिया था तो हमें खाया ही नहीं दिया, ये सब कचरा वाला खाना, तो भी यहाँ पे डाल दें। बाय बाय स्विट्जरलैंड, बाय के लिए लास्ट फ्लाइट है भैया।
चलते हैं अभी अंदर से ट्रेन में चकाचक। और इसमें भी हम लोग लास्ट में घूमें। स्वीट्स एयरलाइंस की फ्लाइट है, बहुत महंगा किराया दिया है, बाकी आखिरी टाइम पे भी दिया है। हाँ भाई, तो अभी हम लोग देखो इंडिया में आ गए हैं दिल्ली, बहुत लंबे समय के बाद हमारे साथ दोस्त बना है हमारा मन भाई है, बहुत इससे बहुत मजा आया उनके साथ अपना ट्रैवल करने में। आ गया इंडिया भैया, आ गया आ गया। Temperature is not too bad actually, it's about 25 degrees today. Oh my god. फटाफट बाहर निकले, छोले भटूरे खाते हैं भैया। टोटल खर्चा वन $5,850। अभी आप बोलेंगे भैया जी आप कंजूस इतने और इतना सारा खर्चा कर दिया, आप गप्पे मार रहे हो। मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ भैया, मेरा टिकट का इतना खर्चा क्यों हुआ पता है? क्योंकि मेरा इतना पूरा एजेंडा बोलो तो इतना वीक टू वीक डेली इतना फुल था भैया, मैं टिकट का कोई डिसीजन नहीं ले रहा था भैया। जब टिकट ले रहा था खाली एक ही दिन पहले ही मैंने टिकट का बुकिंग किया भैया, और उसकी वजह से मेरा लास्ट मिनट में टिकट का बहुत खर्चा हुआ भैया। और ट्रैवलिंग का टोटल एक्सपेंस करके मेरे को 5,850 यानी कि करीबन मेरा 350,000 रुपीज़ खर्चा हुआ भैया। हम लोग जब पहले आए यहाँ पे घूमते थे ना प्रदेश में भैया, तो हमारा खर्चा होता था करीबन $1,100-1,200 आने जाने का, यानी 60,000 में खर्चा होता था। अभी 350,000 हो गया, इसके हिसाब से बोल रहे भैया कितना खर्चा महंगा होता है मालूम पड़ता है ना भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए भैया। हम लोग अभी रोज़ ट्रैवल करेंगे अच्छी अच्छी होटलों में, और रोज़ हम लोग खाने के डेली फूड वाला ब्लॉग भी बनाएंगे भैया। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए भैया, अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करिए भैया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका, परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।